हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट 2022 वीडियो सॉल्यूशंस। अच्छा, हमारे जो ये वीडियो सॉल्यूशंस है आपको अपनी वेबसाइट tsph.in पर अवेलेबल है। हाँ, हमने आंसर की आपको पहले से ही बता दी है। लेट अस नाउ डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थोड़ा सा एक नीट 2022 पेपर के बारे में समझते हैं। अगर आप मेरे से वेटेज की बात करेंगे तो ओवरऑल पेपर मैं करीब करीब बैलेंस बोलूंगा। दो देर वेर फ्यू चैप्टर्स लाइक हेल्थ एंड डिजीज यूनिट, हेल्थ एंड डिजीज में से सिर्फ दो क्वेश्चन थे। माइक्रोब्स और एनहांसमेंट में वन क्वेश्चन ईच थे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, नर्वस कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, इन सब में से ऑन एन एवरेज एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन थे, यू नो, सेल में से आप ये वाले बायोमोलिक्यूल्स ले लीजिए, अपने बायोटेक्नोलॉजी ले लीजिए, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस ले लीजिए, है ना। सो दिस इज हाउ ऑल अबाउट इज। पेपर की लेवल के बारे में भी बच्चों को मैं ब्रीफ कर दूं। पेपर का लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। फ्यू क्वेश्चंस वेयर लाइक इट वाज टेकिंग सम टाइम, ठीक है। जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो बहुत जल्दी हो जाते थे। जो खासकर जिसमें स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू करेक्ट इनकरेक्ट पता करना था, इस बार कुछ नया देखने मिला। एनटीए ने assertion reason के questions भी डाले। assertion reason and statement one and two correct questions जो होते हैं, this takes some time. If you know perfectly NCERT, तो आप उसको अच्छे से confidently tick कर पाएंगे। पूरे पेपर में मेरे अंदाज से अराउंड 4 questions where you know this thing assertion reason और करेक्ट इनकरेक्ट के करीब 8 questions थे, ठीक है। तो क्या होता है जब भी हम ये करेक्ट इनकरेक्ट या ये चीजें सॉल्व करते हैं, दिस टेक सम टाइम। नॉर्मली बायोलॉजी में ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि क्वेश्चंस फटाफट हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर हम देखें और इस साल के क्वेश्चंस में देखें, तो बायोलॉजी में भी बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगा होगा। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, द पेशेंस इज अ की, ओके। जिन्होंने पेशेंटली चीजों को सॉल्व की, हाँ, लकीली फिजिक्स का पेपर वॉज ऑल्सो रिलेटिवली ईजी, है ना। सो ओवरऑल दे एंड अप विद अ वेरी डिसेंट स्कोर। चलिए, हाँ, शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। मेरे पास बच्चों यहां पर आई हैव द नीट पेपर, ओके। बॉटनी के वीडियो सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। यहां पर मुझे नीट पेपर कोड S6 आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। S6 के बारे में बात करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1, द गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इधर हमको एक वर्ड की समझ में आनी चाहिए। गैशियस बोला मतलब वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इथिलीन। इथिलीन इज द ओनली हार्मोन अवेलेबल इन द गैशियस स्टेट, करेक्ट और नॉट। तो हमको बेसिकली इन चारों में से इथिलीन वाला ऑप्शन ढूंढना है। अच्छा, helping to overcome apical dominance, the option number 1, you know it is clearly the work of auxin, है ना। अपना dicot weed eradicate करना ये भी auxin का काम है। speeding up the malting process is gibberellin का काम, बराबर है, ठीक है। तो promoting root growth and root for hair formation to increase the absorption surface, ये प्रॉपरली इथिलीन का काम है। समझ गए बच्चों, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा। इनफैक्ट प्लांट ग्रोथ चैप्टर में नीट 2022 में दो क्वेश्चंस जो पूछे गए वो इथिलीन पर ही है। हम क्लास में भी ऐसे ही बताते हैं कि एक ऑक्सिन के समझो फंक्शंस ज्यादा है, ठीक है, दूसरा किसी का फंक्शन ज्यादा है तो इथिलीन का है। तो ज्यादा फंक्शंस ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछने की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, स्टेटमेंट 1, ओके। आया देखो स्टेटमेंट 1 और 2 वाला क्वेश्चन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। अब क्वेश्चन इज क्या, व्हाट इज क्लिस्टोगैमस, है ना। आपको क्लास में बताया गया है क्लिस्टो मतलब क्लोज्ड, वो फ्लावर जो ब्लूम ही नहीं करते। चैस्मोगैमस वो होते हैं जो ओपन कर देते हैं, ब्लूम कर देते हैं, है ना, और वो ओपनिंग को हम लोग एंथेसिस वगैरह बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्लिस्टोगैमस की बात कर रहे हैं कि भाई क्लिस्टोगैमस इनवेरिएबली मतलब कंपल्सरली ऑटोगैमस होते हैं। इज दैट ट्रू,
Yes, it is a true statement. देखो लास्ट में क्या पूछा है ना, तो क्लिस्टोगैमस इनवेरेबली ऑटोगैमस है. यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर कोई फ्लावर का यू नो आई वुड से केलेक्स बंद रखेगा, बर्ड कंडीशन में ही रहेगा मोर ऑर लेस, तो कभी वो खुलने वाला ही नहीं है. तो अंदर जो खुद का पोलन ग्रेन रहेंगे, खुद के ही ओविल को फर्टिलाइज करेंगे, राइट? तो दिस इज करेक्ट, नो डाउट, है ना. चलिए दूसरा पार्ट लेते हैं. क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन. दिस आल्सो इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना. तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट. ऐसा वाला अपने ऑप्शंस ऑप्शन थ्री वाला है. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है कि नहीं बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. 103 XO type of sex determination. Again, it's a straight NCERT line question. The answer is grasshopper. बराबर है? Grasshopper जो होता है, उसमें आपको XO मिलेगा. Straight line question है. अभी मैं आपको ये सब नहीं बताने चाहता हूँ. ये सब birds है तो ZZZW method होता है. Drosophila है तो human being जैसा होता है. XXXY method. Correct? So 103 का answer is the first option. You will get this in the chapter Principles of Inheritance, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, वो भी sex determination topic में मिलेगा. Question number 104 की बात कर रहे हैं बच्चों. 104, okay. The device which can remove the particulate matter. Let me read this. The device which can remove the particulate matter present in the exhaust from thermal power plant. बहुत बार आपको लेक्चर में इस तरह की सीख दी गई है. हमेशा जरा फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा. फर्स्ट इसलिए कि हम पढ़ के जल्दी निकल जाते हैं, लास्ट इसलिए कि लास्ट तक हमारा पेशेंस कम हो जाता है. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ही थर्मल पावर प्लांट का पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करने का यू नो मशीन है. कैटलिटिक कन्वर्टर, हम क्लास में इस तरीके से याद करते हैं, कार में हमको कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह लगाना चाहिए जिससे यू नो पोल्यूशन थोड़ा कम हो, ऐसा है ना. सो इधर थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा है. आंसर शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन. एसटीपी सी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का कोई काम नहीं है. इंसिनरेटर हमको पता है, वो बर्न करके खत्म करने वाला मेथड है, राइट. चलिए ये वाला भी हो गया. दिस यू विल गेट इन द चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यू. मेरे को याद आ रहा है एनवायरमेंटल इश्यू का जो सेकंड पेज है वहां पर डायग्राम्स है. डायग्राम के नीचे आपको ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वाला पार्ट मिल जाएगा, राइट. तो अभी तक स्टार्टिंग के तीन क्वेश्चंस, फोर क्वेश्चंस इनफैक्ट, वाज वेरी इजी. अच्छा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 105. यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच पूछा गया है. इनकरेक्टली मैच. अच्छा बच्चों इधर देखो ट्विस्ट थोड़ा सा क्या किया है. दे हैव गिवन सम एग्जांपल्स और उनके रिस्पेक्टिव टाइप का स्टार्च स्टोर करने वाला बात बताया है, ठीक है. अच्छा तो थोड़ा अगर आप इसको याद करें तो प्लांटे चैप्टर में एक टेबल दिया है. क्लोरोफाइशिया, फियोफाइशिया, रोडोफाइशिया, मतलब ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे के टेबल दिए, राइट. उधर ही सारे स्टार्च की कौन से ग्रुप में कौन सा स्टार्च होना चाहिए वो लिखा हुआ है. जैसे पोरफाइरा फ्लोरिडियन स्टार्च इज करेक्ट. वॉल्वॉक्स ये ग्रीन एल्गे वगैरह है. क्लोरोफाइशिया ये भी करेक्ट है स्टार्च. एक्टोकार्पस ये ब्राउन एल्गे, ये वाला भी सही है. ओके यूलोथ्रेक्स इज अ ग्रीन एल्गे बच्चो, क्लोरोफाइशिया है जिसके पास स्टार्च होना चाहिए. जैसे ये वाला ग्रीन एल्गे है स्टार्च है, यहाँ पर भी स्टार्च होना चाहिए था लेकिन मैनिटॉल लिखा गया है. तो फिर आंसर इनकरेक्ट पूछा गया है ना. प्लांटे चैप्टर को रिफर करिए, आपको मिल जाएगा स्पेसिफिकली एल्गे वाले टॉपिक में. तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन मैं बोलूंगा, राइट. नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी हार्ड. अगेन इट्स एन एनसीईआरटी रिलेटेड थिंग, यू शुड हैव गॉट द आंसर, है ना बच्चों. चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना. नेक्स्ट वन, Which one of the following? एक सेकेंड. So, which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? ठीक है. Gel electrophoresis में first statement says presence of chromogenic substrate gives blue color. बच्चों blue color देता है? नहीं ना. This is the wrong statement. ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ये यूवी लाइट देता है, आपको पता है. ऑरेंज कलर वाज करेक्ट, ब्लू कलर वाज इनकरेक्ट.
Third option says process of extraction of separated DNA strands from the gel is called as elution. है ना, तो ये भी एक proper statement है. Fourth option, the separated DNA fragments are stained by using ethidium bromide. ये भी correct statement है. हमको question में ये पूछ रहा है कि हमको क्या इन नॉट ट्रू स्टेटमेंट निकालना है. तो नॉट ट्रू डेफिनेटली इज द फर्स्ट ऑप्शन, है ना, राइट. अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर देखें जहां पर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन का डायग्राम दिया है, उसी के बराबर साइड के डिस्कशन में आपको ये मिलेगा कि भाई ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखते हैं ऑन एक्सपोजर टू यूवी लाइट, है ना. सो आप वो वाले पेज पे जाइएगा बायोटेक्नोलॉजी में जहां पर आपको ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन है, उसी पेज पे आपको ये कंटेंट मिल जाएगा. सो दिस ऑल्सो इज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है. ये जो क्वेश्चन है इसको हम रीड करते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. हमको करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट हमको ढूंढना है ना. तो यहाँ पर देखो लिखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है. द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बुगेनविला. If you have read NCERT well, okay, citrus and bougainvillea के जो thorns होते हैं वो stem का modification है. किसका modification है? Stem का modification है, ठीक है. So this is an incorrect statement. Axillary bud, क्योंकि इधर leaflet बोला है बच्चों, thorns बोलता या stem बोलता तो सही option होता था. Axillary buds will form slender and spirally coiled tendrils of cucumber and pumpkin. It's a true statement. Okay. आपको NCERT में, मैं आपको, चलो आपको वो पेज नंबर भी बता दूंगा. 107 जो है क्वेश्चन वो आपके NCERT में 68-69 पेज को आप देखिएगा जरा. 68-69 है ना, 68-69 पर axillary buds और ये पूरा ऐसा स्टेम के मॉडिफिकेशन वाला पैराग्राफ है. अब देखिए तो बी ऑप्शन का लिखा है एक्सिलरी बर्ड्स विल फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंडर्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन. इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन द केस ऑफ पंची एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ लीफ. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. राइजोफोरा, व्हाट वाज राइजोफोरा, याद है वो ये मैंग्रोव्स वगैरह टाइप के प्लांट होते है वो जो नमक वाले एरियाज में ग्रो होते हैं खाड़ी वगैरह में, है ना. इनकी जो रूट्स होती है, वो रूट्स जो है वो ऐसे ऊपर आती थी, कुछ याद है आपको, है ना. ये सपोज ये सॉइल का लेवल है, तो ये जो राइजोफोरा थे इनके ऊपर वो ब्रीदिंग के पॉइंट्स थे, निमेटोफोर्स वगैरह बोलते हैं, लेंटिकल्स भी रहता है ना. तो राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स एंड दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेशन. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. ब्रीदिंग के पर्पज से ही जो रूट्स बाहर आते हैं हम उनको नेमेटोफोर्स बोलते हैं, करेक्ट, है ना. आगे बढ़ते हैं. सब एयरली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये भी एनसीईआरटी का करेक्ट वाला स्टेटमेंट है. हाँ, सो दिस इज अ क्वेश्चन, आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन क्यों? क्योंकि इसी में ए मिसिंग है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है. अगेन एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑप्शन को हमको ध्यान से थोड़ा पढ़ना चाहिए, उधर ही आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम छुपा रहता है. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वी गो अबाउट, है ना. अभी ये क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. 108 क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन, मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. मेंडल के 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको कितनी बार याद कराए क्लास में, है ना. So this is the basis of all the cross what we study, है ना. So this is a true statement. Statement 2 says 7 characters examined by Mendel in his experiments on pea plant were seed shape and color, flower color, pod shape and color, flower position and stem height. अच्छा ये देखो बच्चों,
ये जो करेक्ट इनकरेक्ट एज आई टोल्ड यू स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू ये वाले क्वेश्चंस यू नो परफेक्ट एनसीईआरटी आएगी तो हम कर पाएंगे। अच्छा आपको पता है हमने क्लास में आपको ये वाली टेक्निक दी थी कैटेगरी है ना, तो इसको मैं जरा एक से ना मैंने सॉरी आई हैव मूव्ड अहेड। हाँ ये देखिए मैं जरा इसको प्ले एक सही जगह पे लिखूं जो आप रीड कर पाए। अच्छा तुमको याद है हम एक टेक्निक देते थे सी ए टी आई जी आर वाई है ना, कैटेगरी करके एक टेक्निक थी हमारी, उसमें सी ये जो थी वो सब इसके लिए थी ना डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए, देन यू हैव ऑल दैट एक्सियल, यू हैव टॉल, यू हैव इनफ्लेटेड, यू हैव ग्रीन है ना, यू हैव राउंड, यू हैव येलो, ठीक है। आई हैव सीन दैट बच्चे ये टेक्निक यूज करके आंसर को इसको पहुंचे, चलो अच्छा है कोई टेक्निक आपको यूज आई काम आई है ना। तो ये जो है आपकी एनसीईआरटी में प्रॉपर टेबल भी दिया बच्चों, पेज नंबर मैं आपको बता दूं 71 है ना, 71 पेज पे आपको एक टेबल दिया है, उधर से क्वेश्चन उठाया गया है राइट। वो टेक्निक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ईयर वॉट एवर थिंग्स आर मेंशन, वो अपनी कैटेगरी वाली यू नो चीजों में बराबर फॉल कर रहा है, सो द स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट। ओके एक केस में अगर हम आंसर की बात सोचें किधर है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, यस थर्ड ऑप्शन विल बी बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, यू रिफर पेज नंबर 71 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विल गेट द पॉइंट, बराबर है। चलिए अभी हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नाउ। In the old trees, the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect attack due to secretion of secondary metabolite. Okay, secretion of secondary metabolite की बात करें बच्चों, ये देखिए secondary metabolite and their deposition in the lumen of vessels. Okay, आपको कुछ याद है older trees में ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको हम हार्ट वुड वगैरह बोलते हैं, पेरिफेरल को समझो सैप वुड बोलते हैं, बराबर है। क्या लिखा है सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेंस ऑफ वेसल्स, अरे इधर यही जमा होने के वजह से तो ये एक तरह से फंक्शनलेस हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली यहाँ के जो भी जाइलम वाइलम रहेंगे वो पूरे के पूरे से ब्लॉक जैसे हो जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड द डिपोजिशन द ल्यूमेंस, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ओके क्योंकि ये वेसल्स जिस ल्यूमेन की बात हो रही है वो सेंट्रली लोकेटेड होगी। दूसरी बात डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन्स एंड रेजिन्स अगेन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, this also statement is correlated, dono statement sahi hai. C option dekhiye, deposition of suberin and aromatic compound, suberin and aromatic compound jo hai wo likha hai in the outer layer, idhar koi cheez jama hoti hai kya, matlab actually generally nahi hoti, it is the central part that becomes functionless, that becomes more rigid, right. Deposition of tannin, gums, resin, aromatic, again the peripheral layer mein nahi hota bhai, outer layer mein nahi hota hai. Presence of parenchyma cells, functionally active xylem elements and essential oils. Okay, aapko pata hai ye functionally active xylem wala main to sab andar rehta hai. Okay, nahi to ye yahan par functionally active to nahi tha, wo to in fact dead matter jaisa kuch tha, right. तो इस पे हम जो है जो आंसर पे जाएंगे ए बी बोथ इन दिस केस आर करेक्ट, ये आपको एक एनसीईआरटी के पेज पर भी है, हाँ यहाँ पर विल गो विद द आंसर यू नो बोथ ए एंड बी, ये जो थर्ड ऑप्शन ये वाला हम आंसर टिक करेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी पे वो जो हार्टवुड सैपवुड वाला जो लास्ट के है ना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वहां पर एक कॉन्सेप्ट देखिए, यू विल गेट द थिंग्स प्रॉपरली, समझ गए बच्चों। हाँ, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following produces nitrogen fixing nodules on the root of ulnar?
स्ट्रेट बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ये आपको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है वहां पर आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो आई विल रीड दिस एज एन इजी क्वेश्चन, ओके, ये जो है आपको फटाक से आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमीओस्मोसिस। बच्चों ये केमीओस्मोसिस हमने कुछ पढ़ाया था आपको ऐसा, ये आपके पेज नंबर 215 पर मिल भी जाएगा, पेज नंबर 215 पर, ठीक है। तो केमीओस्मोसिस में आपको याद होगा बच्चों, यहाँ पर हम कुछ ऐसा ये थाइलाकोइड ल्यूमेन में बनाते थे और इधर सब वो ऐसे सब चीजें होती थी, याद है कि नहीं, राइट। अच्छा, फोटोलाइसिस जो होता है वो इधर ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड के अंदर होता है, इधर होता है, इधर फोटोलाइसिस यहाँ पर होता था, राइट, है ना। अच्छा फिर क्या था, ये जो है क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। सही बात है, प्रोटॉन्स यहां से जा जाके, है ना, इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, स्ट्रोमा वाले जगह पर जाएंगे, है ना, राइट। रिडक्शन ऑफ एनएडीपी एनएडीपीएस टू टू द स्ट्रोमा साइड, कुछ याद है क्या, इधर होता था पीएस टू कोएंजाइम क्विनोन प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम बी सिक्स साइटोक्रोम एफ प्लास्टोसाइनिन, है ना, फिर पीएस वन एफआरएस, याद है ना सब, फेरिडोक्सिन, फिर कुछ था अपना टू एनएडीपी गेटिंग कन्वर्टेड टू टू एनएडीपीएच टू, इसी के लिए हाइड्रोजन आया था यहाँ पर फोटोलाइसिस होने के बाद, राइट, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी टू द स्ट्रोमा साइड इज करेक्ट, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट दिस आल्सो इज करेक्ट, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट दिस डज नॉट हैपन, दिस डज नॉट हैपन। अब क्या पूछा आपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बच्चों, तो हम आंसर पे जाएंगे ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं होता है, हाँ सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, प्रोटॉन अपने हाई से अपने लो की तरफ जाता है, इसी को तो बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस, केमी मतलब केमिकल्स, विच केमिकल्स, प्रोटॉन्स, ऑस्मोसिस मतलब सेल्फ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स आर हैपनिंग फ्रॉम द यू नो ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड टू द स्ट्रोमा साइड। समझ गए बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोडा इज कंपोज्ड ऑफ, इजी क्वेश्चन, इट इज मेड अप ऑफ चिटिन, बराबर, कॉकरोच वाला चैप्टर देखो, हाँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइन है, हाँ कुछ बच्चे जो ग्लूकोसामाइन में कंफ्यूज होंगे, दैट वाज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, हाँ यहाँ पर एक्सोस्केलेटन की बात हो रही है, आंसर डेफिनेटली चिटिन है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Polymerase chain reaction is used in DNA amplification. This is a very correct statement. कोई भी twist and turn नहीं है. Polymerase chain reaction का purpose ही था DNA को amplify करना. हमने थोड़ा बात की थी, कभी कभार DNA fingerprinting में crime spot पर amount of DNA कम पाया जाता है, तभी भी हम उसको PCR मशीन में डाल के DNA को एम्पलीफाई कर सकते हैं, बराबर। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड रीजन इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये जो हम पढ़ते हैं, ये तो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज किया जाता है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो स्टेटमेंट वाइज दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट लेकिन ये तो दोनों इन आपस में कनेक्टेड स्टेटमेंट तो नहीं है ना, राइट, है ना, वी कैनॉट कनेक्ट यू नो वन डजन ऑफ मैंगो विथ वन केजी ऑफ ग्रेप्स, देयर इज नो मच कोरिलेशन ऐसा, है ना।
तो या 1 dozen ऑफ बनाना विद 1 kg ऑफ ग्रेप, ये कोरिलेशन नहीं है, माना दोनों ही अपने जगह पे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन लेकिन द रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, करेक्ट। तो अभी हम देखते हैं वन एंड यू नो असर्शन एंड रीजन बोथ का करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट। देखो जरा ऑप्शन फोर परफेक्ट आंसर है यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट वन दैट मीन्स असर्शन एंड स्टेटमेंट टू दैट इज रीजन आर करेक्ट इन देयर रिगार्ड्स, बट आर इज नॉट द रीजन बिहाइंड यू नो ए। समझ गए बात को, है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 114, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड इन द रिसेंट ईयर्स, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हॉर्मोन्स हैज रिजल्टेड इन दिस इंक्रीज यील्ड एज द हॉर्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर इन द प्लांट। बच्चों ये चैप्टर में कितनी बार से बोला है, कितनी सारी चीजें हॉर्मोन रिलेटेड है, ओके, गन्ना ग्रेप्स ये सब तुम्हारे जिब्रेलिन होते हैं, एक कुकुम्बर वगैरह आया, इसका आंसर इज इथिलीन। इथिलीन कैसे? इथिलीन हमने वो क्लास में कुछ टेक्निक वगैरह दी हुई है अगर आपको याद हो तो, CRPF जवान्स, है ना, क्विकली, ठीक है, मूव इन बोट, ऐसा कुछ था, है ना। तो ये जो F है ना, F इधर F था फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर ऑफ व्हाट, कुकुम्बर, समझे कि नहीं? हाँ, मैंने कुकुम्बर लिख दो, राइट। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इथिलीन वाले ही 2 क्वेश्चन थे, तो देखो इथिलीन इज द करेक्ट आंसर, राइट। साइटोकाइनिन नहीं आना चाहिए, जिब्रेलिन वगैरह वो ग्रेप्स के लिए रहता है ना, एब्सिसिक एसिड तो तुमको पता है वो सब एब्सिशन लाता है। सो 114 अगेन एनसीईआरटी का, इथिलीन का पैरा पे जाइए, एकदम लास्ट में 2-3 लाइन में लिखा रहेगा, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्लावर्स आर जाइगोमोर्फिक, जाइगोमोर्फिक बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री है ना, राइट। अच्छा अभी इसमें मस्टर्ड, कैशिया, चिली, गुलमोर, धतूरा, प्रॉपर एनसीईआरटी का एग्जांपल है हाँ, मेरे को याद आ रहा है, ये मस्टर्ड जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, बराबर। अच्छा देन ये जो आपका गुलमोहर है, गुलमोहर ये जाइगोमॉर्फिक है, और कैशिया जो है, कैशिया, कैशिया जो है वो क्या, ये भी जाइगोमॉर्फिक है हाँ, और धतूरा जो है वो क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, राइट। चिली क्या है, वो भी एक्टिनोमॉर्फिक। तो इसलिए हम बोलते हैं बच्चों कि इसको मॉर्फोलॉजी वाले के खास एग्जांपल्स को फॉर्मूला इसके तरह जो हम पेपर पे बना के लिखे हैं पढ़े हैं वो हमको देखो काम आ रही है अच्छे से। यहाँ पर आपसे पूछा गया जाइगोमॉर्फिक कौन से है, तो जाइगोमॉर्फिक जो है आपका गुलमोहर और कैशिया ही है, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, समझ गए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन, कैन नॉट पूछा है, कैन नॉट, है ना। बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, बच्चों दोनों नेगेटिव होता है, ये तो एमेंसलिज्म में होता है, याद है बच्चों एमेंसलिज्म है ना। तो प्रीडेशन वाला जो है रिलेशनशिप, उसमें एक प्रीडेटर होता है, एक प्रे होता है, प्रीडेटर को आई वुड से बेनिफिट होता है, प्रे को नुकसान होता है, तो दोनों तो नेगेटिव नहीं होते ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन, तो आंसर यहीं पर आ जाता है बच्चों, फर्स्ट शुड बी द आंसर, चाहिए तो बाकी चेक कर लेते हैं। इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, सही बात है, प्रीडेटर प्रे एक दूसरे की पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी, वो भी सही है, इट माइट लीड टू एक्सटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इफ प्रीडेटर इज मोर यू नो आई वुड से स्ट्रॉन्ग देन प्रे इन दैट एरिया विल गेट एक्सटिंक्ट, सही बात है। अंडर एनी केस द आंसर अपना 116 का ए ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
Girdling experiment was performed by plant physiologists to identify the plant tissue through which what happens. अरे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बेसिकली फूड के लिए ही था, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए, याद है क्या? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग केयरफुली एक प्लांट में ऐसा कट करते थे, याद है कि नहीं? राइट, ऐसा कुछ कट करते थे, बार्क वार्क समझो निकालते थे, धीरे धीरे वो यहाँ पर उसकी स्वेलिंग दिखने लगती थी। ये इंडिकेट करता है कि फ्लोएम जब ट्रांसलोकेट हो रहा था तो नीचे उसका रास्ता ब्लॉक हो गया, करेक्ट और नॉट? सो द आंसर ओके फॉर बोथ वाटर एंड फूड, ऑस्मोसिस ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड? फूड ट्रांसपोर्ट इज करेक्ट। सबसे पहले फूड की बात करें, फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को रोकता है। अगर आप नोटिस करें तो अंदर के साइड जाइलम के वेसल्स अभी भी इंटैक्ट रहेंगे, तो जाइलम वाला रास्ता चालू है, ये वाला हाईवे चालू है ना, तो एक्स वाला हाईवे चालू है, पी वाला हाईवे को ब्लॉक किया गया, तभी यहाँ पर सोलन मास फूड का एक्यूमुलेट होते हुए दिखता है। अंडरस्टूड? सो 117 का द आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो एकदम पूरा अच्छे से पढ़ा रहेगा उसको समझ में आएगा ये आंसर। देखिए, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किस चीजों का बेसिस है? तो एक लिखा है बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी वीएनटीआर के बेसिस पर होता है, जो कि आई है वो पॉलीमॉर्फिज्म के वजह से ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि वीएनटीआर है तो पॉलीमॉर्फिज्म है बहुत सारे, राइट? और एक बात, जेनेटिक मैपिंग में भी पॉलीमॉर्फिज्म, अगर अलग अलग चीज रहेगी तभी तो हम उसका प्रॉपरली मैप बना पाएंगे। सो एक वो जो है, मेरे को इसका पेज नंबर आपको बताना है, एक 120, हाँ लिख लीजिए 120 एंड 121, इधर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो दोनों आप पढ़िए शांति से, यू विल कम टू नो कि यार डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म दोनों चीजों का बेसिस है, जेनेटिक मैपिंग का भी है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी है। तो ये काफी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑप्शन वापस से फर्स्ट है, आपको थोड़ा सा ये जरा ध्यान से रीड करके करना रहेगा, है ना? सो आंसर इन दिस केस इज जेनेटिक मैपिंग एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, 120 121 जो मैंने बोला वो पेज नंबर को आप स्टार्टिंग से देखिए, यू विल गेट द आंसर प्रॉपरली। ठीक है, एक ऐसा एमसीक्यू जो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बराबर? आगे बढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? ठीक है बच्चों, हाँ अभी ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा समझिए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके, इसको मैं ऐसा फिर से लिखता हूं, रुको जरा। अपने जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, तुमको याद होना चाहिए उसमें भी ग्लाइकोलिसिस वगैरह होता था, है ना? ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है एक्चुअली। ठीक है, आप रेस्पिरेशन चैप्टर पे जाइए, पेज नंबर 230, हाँ उधर आपको लिखा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज लेस देन 7%। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, बट कुछ बच्चों को इसका प्रूफ चाहिए होता है कि सर ये 7% से कम है वो जरा बताइए ना। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बताता हूँ बच्चों, देखो आंसर तो मैंने बता दिया लेस देन 7%, बट तुमको याद है क्या, कुछ ऐसा होता है ग्लूकोज है वो क्या बोलते हैं, पाइरोविक एसिड बनाता है, है ना? और पाइरोविक एसिड से वी गेट दैट फाइनली CO2 एंड 38 ATP मॉलिक्यूल। मैं फिलहाल एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ बच्चों, तुमको याद होगा ये जो है ये ग्लाइकोलिसिस स्टेप से होता था और ये जो है वो
क्रेब्स साइकिल साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता था इधर, है ना? तो इफ यू कैन रिकॉल, ये टोटल हमको 38 ATP देता था। उसमें से अगर आपको याद है, ग्लाइकोलिसिस की हमारी यील्ड वाज 2 ATP एंड 2 NADH2, करेक्ट और नॉट? आगे जाएंगे तो इधर 2 GTP, देन वी गॉट 6 NADH2, साथ में 2 FADH2, राइट? लेकिन प्लीज जरा बात समझिए, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, है कि नहीं? एक ग्लूकोज जो साधारणता 38 ATP, जो उसकी 100% शक्ति है, बराबर दे सकता है, लेकिन उसमें अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या होता है, पाइरोविक एसिड से गेम चेंज हो जाता है। सो माय पॉइंट इज, दिस इज गोइंग टू गिव हार्डली 2 ATP, राइट? अभी 2 ATP इधर से आया है, और तुमको पता है लैक्टिक एसिड वैसे में ग्लूकोज दो वगैरह बनते हैं, है ना? मतलब ग्लूकोज दो बार बनता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, क्योंकि लैक्टोज से शुरू होता है वो। सो अल्टीमेटली देर विल बी 4 ATP, है ना? तो ये अगर आप देखें, इफ यू कैन डू इट दिस वे, यर ग्लाइकोलिसिस पर ग्लूकोज गिव्स यू 2 ATP, सो इट इज 4 ATP, राइट? ऐसा सब है। तो आप देखिए, कोई चीज अगर नॉर्मली किया तो 38 ATP देने वाला था, जो कि उसकी 100% एफिशिएंसी है। तो अगर आपको 2 ATP का निकालना रहेगा तो 2 upon 38 multiply by 100 ऐसा कुछ करना पड़ेगा, राइट? ये कैलकुलेशन करिए, आपको समझ में आएगा कि पर ग्लूकोज द कंट्रीब्यूशन बाय ग्लाइकोलिसिस मिलेगा, समझे? ऐसा सब करेंगे तो यू गेट लेस देन 7% ओनली ऑफ द टोटल एस्पेक्ट, समझ गए? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन आर कॉजेज ऑफ, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, समझ गए? राइट, ये स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइंस है, आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट एनीथिंग, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिविजन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अरे देखो आगे आंसर, माइटोटिक सेल डिवीजन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या काम? अरे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हम करते थे फॉर द इंटेंशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में होता ही नहीं है। देखो अगेन वो थियरी सही जा रही है, आपको बोला गया है फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, इधर भी फर्स्ट ऑप्शन आपको आंसर दे देता है, ठीक है? जैसे बाकी ऑप्शन जो है, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होता है, हाँ, माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स अटैचिंग टू काइनेटोकोर, दिस आल्सो इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, दैट आल्सो हैपेंस, यू नो, बराबर है? सो आंसर विदाउट एनी डाउट, आंसर इज 121, ऑप्शन 1, ठीक है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको जो हम लोग सिनेप्सिस वगैरह बोलते हैं, वो मियोसिस का फीचर है, माइटोसिस का नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्ससीटू कंजर्वेशन, ठीक है? एक्ससीटू कंजर्वेशन का इसमें से कौन सा मेथड नहीं है, मतलब इनसीटू कंजर्वेशन का बात कर रहे हैं। कुछ याद है आपको, हमने कंजर्वेशन कुछ ऐसा पढ़ाया था, है ना? इनसीटू कंजर्वेशन, एक्ससीटू कंजर्वेशन, दिस इज ऑन साइट कंजर्वेशन, दिस इज ऑफ साइट कंजर्वेशन बोल सकते हैं, चलो ना, ऑफ साइट कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज, है ना? ये सब बच्चों
हम चाहते हैं कि एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहे। फिर एक सिटू की बात करेंगे तो उधर हम लोग उसको केज में रखते हैं, जूलॉजिकल पार्क है ना। देन वी हैव माइक्रो प्रोपगेशन। सब एनसीईआरटी में मोर लेस है। देन उसमें बॉटनिकल गार्डन, है ना, और वो क्या था अपना एक जगह, एक और चीज याद आ रही है, वाइल्ड लाइफ सफारी। ये सारी चीजें थी। अब हमको इसमें से ढूंढना है हमारे क्वेश्चन का आंसर। एनसीईआरटी में ये आपको बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। तो एक्सिटू कंजर्वेशन में देखो माइक्रो प्रोपगेशन, ये देखो इधर आया, क्रायो प्रिजर्वेशन भी एक्सिटू में आता है, मैंने लिखा नहीं, अलग बात है। क्रायो प्रिजर्वेशन वो -196 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी तो यार आउटसाइड द नॉर्मल एनवायरनमेंट किया जा रहा है, करेक्ट। व्हाट इज नॉट द केस इज द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ये वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर फॉर श्योर हो जाता है नेशनल पार्क, ठीक है। चलो ये जो ऑप्शंस है वो ऐसे एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाले नहीं है, बट देन यू नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो 122 का आंसर इज ऑप्शन 4, रिलेटिवली मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, हाइड्रोकोलोइड कैरेगिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोडोफाइशिया ओनली। व्हाट इज रोडोफाइशिया? रेड एल्गे, रेड एल्गे से बनता है ना कैरेगिन, ये सब जो थे राइट, गिलीडियम ग्रैसिलीरिया सब जो बोलते थे हम लोग, कैरेगिन वगैरह रेड एल्गे से बनता है, बराबर। और मेरे को तो ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं लगती है ना। सो ये आप जो है आपको किंगडम प्लांटे में एल्गे वाले टॉपिक में मिल जाएगा, जहां पर उसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एपोप्लास्ट पाथवे। बच्चों याद है एपोप्लास्ट, द वर्ड एपो Always and always means without, है ना, last year was protoplasm, without crossing the protoplasm means without moving in from the interior of the cell, periphery से निकल जाए उसको बोलते हैं apoplast pathway। क्या लिखा है? Which of the following is not observed during apoplast pathway? Movement is aided by cytoplasmic streaming। अरे बच्चों cytoplasmic streaming movement तो cell के अंदर होगा और एपोप्लास्ट में तो चीजें बाहर से जाती है, यस और नो, याद आया कि नहीं? एपोप्लास्ट में चीजें बाहर से जाती है, साइक्लोसिस जो हो है समझो वो तो अंदर होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, एपोप्लास्ट में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा, यही तो आंसर है। आगे बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द वॉटर मेंट, सही बात है, ये आपको पता है, ये ऐसे फटाफट निकल जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं। दूसरी क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द इंटर सेलुलर स्पेस एंड वॉल द सेल्स। व्हाट इज इंटर सेलुलर? इंटर मतलब दो सेल के बीच की जगह, जैसे आप यहाँ पर ये रेड एरोस देख रहे हैं राइट। हाँ अच्छा, समझो यहाँ पर कहीं पर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा बच्चों, राइट, तो ये सब निकल सकता है साइड से। लास्ट में मूवमेंट ऑफ सेल्स डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ वॉट जो है, जो भी मूवमेंट है सॉरी, वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करता, नहीं करता ना ऐसा, है ना, ये नहीं करता, नॉर्मली तो नहीं करता है। आंसर इज ऑप्शन 124 का ऑप्शन इज 1। आप पेज नंबर 184 एंड 185 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखिए, आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। एपोप्लास्ट की कंडीशंस लिखी है, सिम्प्लास्ट के बारे में बताएं तो आपको और वन आउट करने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state plants show axillary aestivation and diadelphy? बच्चों diadelphy ऐसे देख के मेरे को तो यार एंड्रोशियम 9+1 दिमाग में आता है।
9+1 कौन सा फैमिली थी? फेबेशिया फैमिली, राइट। और कोई 9+1 एक्चुअली थी भी नहीं, आप नोटिस करना। तो यहाँ पर तो क्लियर है, ये जो पी प्लांट है, पी प्लांट फेबेशिया फैमिली का मेंबर है। उसके सब क्या बोलते हैं, फुगे हुए कॉटलीडॉन्स होते हैं, सोलन कॉटलीडॉन्स होते हैं, राइट, फ्लैशी कॉटलीडॉन्स। तो आंसर हियर इज क्लियर, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम एलियम सिपा वगैरह देखेंगे तो ये अनियन है, वो तुम्हारा लिलिएशिया फैमिली है। तो बेसिकली ये फेबेशिया फैमिली के बारे में इनडायरेक्टली पूछ रहा था आंसर इन दिस केस। अच्छा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी लिखा है, तो मुझे लगता है आप पेज नंबर 78-79 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सही से पढ़ें, आपको समझ जाएगा कि व्हाई इट इज सो, वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडल्फी। आंसर इज वेरी क्लियर एक्चुअली, आंसर पाइसम सटाइवम है, राइट। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स, डेट्रिवोर्स एक्सेट्रा, बराबर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये तो करेक्ट है बच्चों। हाँ, दूसरा क्या पूछा है, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड चिटिन। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड फास्टर? जबकि याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में क्लियरली बताया गया है कि डिकम्पोजिशन इज स्लोअर फॉर थिंग्स विच इज रिच इन लिग्निन एंड चिटिन। हम क्लास में कुछ इस तरीके से भी बात करते हैं, कॉकरोच की समझो डेड बॉडी जो कि चिटिन विटिन ये सब का एक्सोस्केलेटन से बना रहेगा, या कॉकरोच का विंग्स पकड़ लो, ये सारी चीजों को, एक कॉकरोच मर जाता है तो उसकी बॉडी को खराब होने को, डिकम्पोज होने को काफी सारा समय लगता है, समझे कि नहीं? काफी सारा समय लगता है, मतलब डिकम्पोजिशन इज गोइंग टू बी स्लोअर नॉट फास्टर। ये स्टेटमेंट में पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, राइट। तो आई वुड रेट दिस क्वेश्चन टू बी एन इजियर वन। आंसर हमको आ जाता है ऑप्शन वन, स्टेटमेंट टू इज ऑप्शन वन। देखो फिर से ऑप्शन वन आंसर करेक्ट आया है ना। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों। What is net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to two molecules of pyruvic acid? अभी तो आपको पहले भी एक क्वेश्चन में ऐसा थोड़ा सॉल्व करके बताया, हाँ? Net gain पूछा है बच्चों, और सबसे मेन बात की आपसे पूछा है कि ग्लूकोज से लेके पाइरोविक एसिड तक, मैं मानता हूं कि ग्लूकोज से लेके पाइरोविक एसिड तक दो ATP और दो NADH2 बनता है, और जो कि हर एक NADH2 तीन ATP देने वाला है, मतलब दिस इज गोइंग टू गिव मी 6 ATP। बट बच्चों ऐसा नहीं लगता क्या, ये 6 ATP तो इनडायरेक्ट है, जब तक ये माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल्स के अंदर नहीं जाएगा तब तक एनर्जी देने वाला नहीं है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन में पूछा होता कि टेल द कैलकुलेशन ऑफ ATP डेवलप्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, There should have been a word complete oxidation. Complete oxidation बोलते हैं, तब ये terminal oxidation के जरिए बनाया गया product count में लेने का, क्योंकि यहाँ पर बोला है सिर्फ pyruvic acid, तो we don't know आगे वो aerobic की तरह behave करने वाला है कि anaerobic की तरह behave करने वाला है। Our answer should be 2 only, समझ गए? ठीक है, मैंने कुछ बच्चों से ऐसा बात किया तो उन्होंने 8 टिक किया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोले तभी हम उसको 8 सोचे। हियर इट इज लाइक 2 ATP जो लाइक एनारोबिक रेस्पिरेशन भी मिल जाता है ग्लाइकोलाइसिस के जरिए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो आगे आप सोचिएगा। नाउ द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वैस्कुलर बंडल्स इन रूट। अच्छा, लास्ट में क्या करना है, करेक्ट पता करना है, करेक्ट। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट। इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन एन अल्टरनेटिंग मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कंजॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल डू नॉट पजेस कैम्बियम, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। In open vascular bundle, cambium is present in between xylem and phloem. This is also correct. Vascular bundles of dicots
Cotyledonous stem possess endarch protoxylem. देखो हम ऐसा कुछ बच्चों को याद कराते हैं, रोप एक्स, तो इधर रूट में एक्सार्क कंडीशन होता है. इधर क्या लिखा है, वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट स्टेम, स्टेम पूछा ना, स्टेम के लिए एंडार्क सही है, दिस आल्सो इज करेक्ट. रूट में एक्सार्क होता है बच्चों, है ना, राइट. तो प्रोटोजाइलम इज पी, पी ईयर इज प्रोटोजाइलम, बराबर है. प्रोटोजाइलम इज ओ, ओ मतलब आउटसाइड, है ना. तो रूट में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, इधर क्या लिखा है, इन वैस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम पजेस एंडार्क प्रोटोजाइलम, सही बात है, स्टेम में उल्टा हो जाएगा. ई, इन मोनोकॉट रूट यूजली देर आर मोर देन सिक्स जाइलम बंडल्स प्रेजेंट, दिस ऑल्सो इज करेक्ट. गुड. अभी ये क्वेश्चन बच्चों, ओके, लेट एनटीए टेक द कॉल. एज ऑफ नाउ आई फील इट शुड बी गिवन ग्रेस. इसके सारे ही ऑप्शन ए बी सी डी ई ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, बात समझे. तो इट इज फाइनली एनटीए दैट डिसाइड्स उसको क्या करना है. तो ग्रेस मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा, तो किसी के साथ अनफेयरनेस ऐसा होगा नहीं. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों, है ना. तो सुनते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड. यस, सम फ्लावर्स डू दैट, है ना. कुछ फ्लावर्स फाउल ऑर्डर जो है बनाते हैं क्योंकि उनके जो इंसेक्ट होते हैं उनको गंदा स्मेल ही पसंद है, बराबर. मॉथ, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस केस, है ना. मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग द इंसेक्ट. दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट, बिकॉज इफ यू रिमेंबर हनी बीज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिनेटर, टू बी प्रिसाइज 80% पॉलिनेशन हनी बीज करते हैं. तो मॉथ और बटरफ्लाई तो नहीं करते. पॉलिनेशन बाय वॉटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, करेक्ट स्टेटमेंट है. ज्यादातर यू नो विंड पॉलिनेशन कॉमन है. पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन, परफेक्ट है. इन दिस केस बच्चों आंसर हम स्टैम्प आउट करेंगे, आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि करेक्ट होना चाहिए था. अगर करेक्ट होता स्टेटमेंट तो इट शुड हैव बीन अबाउट हनी बीज आर द यू नो डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट. एज द क्वेश्चन आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट, सो द आंसर इज ऑप्शन टू. सो दिस इज एन ईजी क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अच्छा बच्चों देखो ये एक क्वेश्चन आ गया, फेवरेट वाला, आपको करीब करीब 10 बार पूछे रहेंगे एग्जाम में, है ना, इन फुल पोर्शन कॉम्बोज एंड न्यूमरस टेस्ट. दिस इज एन इजियर क्वेश्चन. इधर देखो अपना एक फेवरेट है बोरॉन, बोरॉन है ना, पोलन जर्मिनेशन, करेक्ट है ना. बोरॉन जो है पोलन जर्मिनेशन है. और देख लेते हैं, ठीक है, मैंगनीज, मैंगनीज का रोल किधर था, ये आपका फोटोसिंथेसिस में था ना, इधर 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 स्प्लिटिंग फोटोलाइसिस में, राइट. अच्छा मैग्नीशियम आ गया, आयन आ गया, ठीक है. तो इसमें इसमें आयन जो है ना, आयन वो अलग अलग यू नो ये करता है, क्या बोलते हैं, एंजाइम कैटलेज वेटलेज को जो है एक्टिवेट करने के लिए रहता है. मैग्नीशियम तुमको पता है, वो मैंने बताया था जहां पर भी एटीपी का लेन देन होता है वहां पर मैग्नीशियम आता है. यू कैन चेक दिस इंफॉर्मेशन इन योर रेस्पिरेशन चैप्टर एज वेल. सो ये वाला ऑप्शन जरा देखते हैं किधर है. बोरोन वाला जो है पोलन जर्मिनेशन C2 काफी लोगों में है. A4 फर्स्ट और फोर्थ में है. अच्छा आंसर इज विदाउट एनी डाउट, आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन, A4, चेक कर लीजिए A4, है ना, मैंगनीज का फोटोलाइसिस में. दूसरा यू नो मैग्नीशियम का एक्टिवेट्स
रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, देन बोरॉन का पोलन जर्मिनेशन, राइट, एंड द डी इज एक्टिवेट्स द कैटलेज एंजाइम. ठीक है, तो आई वुड रीड दिस एज अ यू नो नॉर्मल क्वेश्चन, इजिली आ जाता है ना, मैथ्स द कॉलम में है तो और आसानी से आ जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस. ओके, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बच्चों साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे बनते हैं, टर्मिनलाइजेशन नहीं है ना, तो तुम्हारा डाइकाइनेसिस होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी नहीं, बाइवेलेंट वगैरह भी सब सिनेप्सिस वाले स्टेप वगैरह में होता है. आंसर 131 इजीली आ गया, आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन. समझ गए, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन सेज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगेन्स बिगेन्स एज सून एज. ठीक है, बोथ द सब यूनिट्स जॉइन टुगेदर टू बाइंड विद एमआरएनए. ओके, दोनों सब यूनिट जुड़ता है तब होता है क्या? नहीं, द टी आर एन इज एक्टिवेटेड एंड अ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स. लार्जर नहीं होता है, वो स्मॉलर होता है. फर्स्ट वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सेकेंड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए. यस, दिस इज वेयर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिंस. लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स द एमआरएनए. ठीक है, इधर टी आर एन ए बोला है वो तो एनीवेज नहीं हो सकता है ना. डाउट लार्जर और स्मॉलर में है तो याद रखना स्मॉलर वाला जो है वो शुरू करता है. समझ गए, अगर आपको इसका यू नो पेज नंबर चाहिए तो आपको मैं बोलूंगा यू रिफर पेज नंबर 115 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 115 को देखिए. ठीक है, वहां पर आपको वो जो अपना ट्रांसलेशन वाला डायग्राम है उसके साइड में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो है ट्रांसलेशन शुरू होता है व्हेन स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विल एनकाउंटर या अटैच. समझ गए, ओके. चलिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा, थोड़ा सा आई वुड से इन डेप्थ एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, नॉट दैट इजी. समझ गए, आगे बढ़ते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. द स्टेटमेंट वन इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पाइरोवेट. बराबर स्टेटमेंट है, कुछ याद है बच्चों? हम ऐसा कुछ बोलते थे, मैं लिखता हूँ, चलो PEP है ना, 3 कार्बन, ये CO2 एक्सेप्ट करता था और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन बनता था. ये जो रिएक्शन होता है वो मीजोफिल सेल में होता है ना. तो ऐसा कुछ हमने आपको क्लास में ऐसा एक टेबल कॉपी करवाया है मेरे पावर पॉइंट पे, राइट, है ना. फिर यहां से वो मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड से मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है और वो किधर, बंडल शीथ सेल्स में आते हैं. पूरा आपको मैं अभी वो साइकिल नहीं लिख रहा हूँ, बट वो मैलिक एसिड बाद में वो डिसोसिएट होता है, केल्विन साइकिल करता है ना. फिर वो सब पाइरोविक एसिड वगैरह होता है, ऐसा सब चीजें चलती है, राइट. पॉइंट इज ये सारा इवेंट जो है वो बंडल शीट में हुआ और ये ऊपर मीजोफिल में हुआ. तो पहला वाला तो बराबर है, दूसरा लिखा है मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम. बच्चों इधर C4 पाथवे रन करता है, इधर केल्विन साइकिल C3 पाथवे यहां पर रन करता है, क्योंकि इधर रुबिस्को चाहिए होता है, इनफैक्ट यहां पर पेप्को चाहिए होता है, याद है क्या? तो क्या मैं बोलूं C4 पाथवे पर रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. सो दिस ऑल्सो इज करेक्ट, दिस ऑल्सो इज करेक्ट. बात समझ गए? अब दोनों करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. So answer should be option 3 in this case. समझ गए बच्चों? चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट याद रहे तो आप कर पाएंगे. ये टेबल्स वगैरह आपको क्लास में लिखाए थे, that has helped it.
ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पता करना। यू क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, है ना। हीट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव लिखा है, जबकि यू क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, तो इधर लिखा है हीट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इन एक्टिव, दैट मींस दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो नॉर्मली क्या है, जो यूक्रोमैटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, हीट्रोक्रोमैटिन नहीं होता, करेक्ट है। अच्छा, हिस्टोन ऑक्टेमर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन द न्यूक्लियोसोम, ट्रू स्टेटमेंट है। आपको पता था डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, हमको जैसे पढ़ते थे डीएनए एंड देन डी स्टैंड फॉर डीएनए, एन स्टैंड फॉर नेगेटिवली चार्ज, है नहीं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होगा इसीलिए वो हिस्टोन ऑक्टेमर से रैप होता है, दिस ऑल्सो इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। अच्छा, टॉकिंग अबाउट हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन आर्जिनिन, करेक्ट है भी। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर्स, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज 200 बेस पेयर सही होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ, राइट। तो इस केस में करेक्ट अपना ये तीन ऑप्शन थे ए सी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई खास दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी का ही है पूरा का पूरा, तो आप इसको कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, अरे वो जो प्लास्टिसिटी था उसके दिख रहा है एकदम क्लियर, तीन एग्जांपल्स, बटर कप प्लास्टिसिटी दिखाता है, कॉटन भी दिखाता है, कोरिएंडर भी दिखाता है, मेज नहीं दिखाता, करेक्ट और नॉट। इन दिस केस क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, तो आंसर शुड बी मेज, मेज प्लास्टिसिटी नहीं दिखाता, मेज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, स्ट्रेट इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। प्लांट ग्रोथ चैप्टर जो है उसमें यही तीन एग्जांपल्स है, बटरकप, कॉटन एंड कोरिएंडर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सॉरी इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजिली बाय पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अरे इसमें सिंपल है, वो जो आपके क्या बोलते हैं प्रिग्नो बॉक्स, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो बराबर सेंटर में एग्जैक्ट रेप्लिका बने वैसा देखने का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, क्या ये दो एग्जैक्ट रेप्लिका है, नहीं, ओके, जी टी ए टी टी सी, नहीं रॉन्ग, जी ए टी ए सी टी सी टी ए, नहीं वापस से रॉन्ग, जी ए ए आधा, टी टी सी आधा, देखो इधर आधा फ्लिप हो गया, सी टी टी ए ए जी, परफेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये, हाँ पैलिंड्रोम से याद है ना, वो हम लोग एक वर्ड पढ़ते थे मलयालम, है ना, जिसको आगे से या पीछे से कहीं से पढ़े तो सेम वाला वर्ड बने, तो इधर भी वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करने का है, 136 आंसर इज इजिली अचीवेबल, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा यहाँ पर बच्चों 137 क्वेश्चन, assertion एंड रीजन दिया हुआ है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम, दिस इज अ परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट, याद है मेंडल जो जो चीजें बता पाए थे उसके बाद के सारे आविष्कार जो थे पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसमें मॉर्गन आए, मॉर्गन ने बोला कि नहीं भाई मेंडल के जो यू नो आंसर्स आए थे 9:3:3:1 वो इसलिए आए थे बिकॉज द जीन्स वेर डिस्टेंटली सिचुएटेड, पेरेंटल टाइप 62.5, रिकॉम्बिनेंट 37.5 वगैरह आया था। फिर अपने मॉर्गन ने ये बोला कि नहीं कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जो टाइटली लिंक्ड होते हैं, नियरली प्लेस होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, उनका रेशियो कुछ ऐसा आता था 98.7 पेरेंटल टाइप और 1.3 रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट काफी कम आता था,
तो क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है हर चीज के लिए एप्लीकेबल? नहीं, इनफैक्ट इट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द जीन्स विच आर सिचुएटेड इन ऑन द सेम क्रोमोसोम क्लोजली लिंक्ड. हमने एग्जाम्पल मीरा रोड भाईंदर एंड यूरोप ऐसा भी सब रशिया ऐसा भी एग्जाम्पल्स लिया था कि मीरा और भाईंदर आर टाइटली लिंक्ड नियरली सिचुएटेड. तो कभी भी अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो आधा पार्ट उधर जाएगा बट मीरा भाईंदर हमेशा साथ में ही रहेगा, वैसा कुछ. ठीक है, तो द स्टेटमेंट दिस वन वॉज करेक्ट. देन closely located genes assort independently. Do they do independent assortment? नहीं, in fact वो tightly linked है, उसमें less recombination आएगा, only 1.3% recombination आएगा, correct or not? मतलब जो नजदीक होते हैं वो साथ में ही जाएंगे, जैसे मीरा रोड और भाईंदर साथ में ही जाएगा. Will they independently assort? नहीं. ठीक है, तो you know question अच्छा है, मैं बोलूंगा moderate level का. यहाँ पर हम answer जो इसे करेंगे, first is correct and R is not correct. मतलब assertion is true and reason is not true. Correct or not? First option को हम stamp out करते हैं. Answer in this case is option number one. अच्छा moderate level का question है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. The entire fleet of buses in Delhi were converted to CNG from diesel. In reference to this, which of the following statement is false? False ढूंढना है. CNG is cheaper than diesel. ये तो true statement है. It cannot be adulterated like diesel. ये भी true statement है. CNG burns more efficiently than diesel. ये भी true statement है. एकदम simple. The same diesel engine is used in CNG buses, making the cost of conversion low. In fact, that is more higher. है ना? तो यहाँ पर आपने को false ढूंढना था. False, right? तो ऑप्शन फोर्थ, ये अपना वो एनवायरमेंटल इश्यू चैप्टर का क्वेश्चन है. सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, आप सबको आसानी से आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सिंपल. वेदरिंग ऑफ रॉक्स, पीडोजेनेसिस, याद है रॉक्स को तोड़ना. अरे रॉक्स सबसे बड़ा रिजर्वर होता है फॉस्फोरस का. जैसे रॉक्स टूटेंगे फॉस्फरस बाहर आएगा, फॉस्फरस जो है अच्छा खासा हमको मिलने लगेगा, समझे. इनफैक्ट आई एम नॉट बॉदरिंग टू रीड द अदर ऑप्शंस आल्सो. आंसर इज क्लियर. 139 का फर्स्ट आंसर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. समझ गए बच्चों? चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. मैच द लिस्ट विद कॉलम वन कॉलम टू. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इन द मिडल, करेक्ट. आपको हम ऐसा बताते 30 सेंटीमीटर का स्केल लो तो कुछ ऐसा आपको याद तो होगा ही, है ना. इसमें अगर ये जीरो है और ये 30 है तो 15 पे जो रहेगा वो मेटासेंट्रिक, बराबर है. ठीक है, अच्छा जरा एक्रोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक कुछ याद करते हैं बच्चों. इधर किधर कुछ रहेगा तो हम उसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, इधर किधर रहेगा तो उसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, इधर किधर रहेगा उसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं. मतलब जीरो पे, एक्रो पांच पे, सब समझो 10 पे, है ना. अभी सबसे आप आंसर कर सकते हैं, जैसे कि यू नो एक्रोसेंट्रिक पूछ रहा है. एक्रोसेंट्रिक जो है तो क्या रहेगा, सेंट्रोमियर क्लोज टू द एंड. चलो एक काम करते हैं, टीलोसेंट्रिक तो एंड में रहेगा, ये वाला टीलोसेंट्रिक लो, बराबर. अब सब मेटासेंट्रिक और ये तुम्हारा जो है एक्रोसेंट्रिक बचा है. सब मेटासेंट्रिक है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल. सब मेटासेंट्रिक मैं तो बोलूंगा ये रहेगा, ठीक है, और एक्रोसेंट्रिक सिचुएटेड क्लोज टू द एंड. अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं. ए वाला क्या हो रहा है, ए वाले का आंसर इज 3, बी वाले का आंसर क्या है 1, सी वाले का आंसर क्या है 4, डी वाले का आंसर क्या है 2, राइट. 3 1 4 2 3 1 4 2. बच्चों थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट वन इन दिस पर्टिकुलर केस, सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. लेसिथिन इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड. अरे बच्चों ये फॉस्फोलिपिड होता है, है ना. तो इसको इनकरेक्ट कर दें,
Saturated fatty acid possess one or more carbon carbon double bond. अरे डबल बॉन्ड ये भी रॉन्ग हो गया है ना. सैचुरेटेड वाला जो होता है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड रखता है. जिंजली ऑयल, जिंजली ऑयल जो है ना वो एज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. लिपिड इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, हेंस रिमेंस एज ऑयल इन द विंटर. एनिमल फैट जो होता है थोड़ा सॉलिड ही रहता है, ऑयल इज अ लिक्विड बिकॉज ऑफ द लोअर टेम्परेचर. अच्छा, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ट्रू, करेक्ट है. ओके, ये भी करेक्ट है. व्हेन फैटी एसिड इज स्टराइड विद स्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म. हाँ, तो ये भी तुमको जो पता है लिपिड्स वाला जो टॉपिक है वहां पर मिलेगा. पेज नंबर 144 पे आप चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 144 पे है ना. तो इसका जरा हम लोग आंसर देखते हैं कौन सा रहेगा. चूज द करेक्ट, अपने क्या है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट. सी डी ई इज करेक्ट. सी डी ई करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन 141 आंसर इज 1. समझ गए, आगे बढ़ते हैं. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पाइरोगेरा फर्न फनेरिया साइकस. देखो बच्चों, इसमें जो एकदम क्लियरली आता हो ना उस पे पहले सॉल्व करना चाहिए मुझे लगता है. साइकस है ना, साइकस जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म वाले प्रॉपर रूट स्टेम लीफ दिखाते हैं, बड़े रहते हैं ऐसा है ना. दे विल हैव डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन. तो साइकस का डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन, लेकिन क्या साइकस को प्रोथेलस होता है क्या, नहीं. तो इसका आंसर तो ये होगा बच्चों, ये है कि नहीं, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक वैस्कुलर प्लांट विथ हाइली रिड्यूस मेल और फीमेल गेमेटोफाइट. दैट इज फाइन है ना, थोड़े समय के लिए यू नो या थोड़ा ही पार्ट रहता है उसका, मेल गेमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम दैट राइट. अच्छा, अभी थोड़ा और देखते हैं. स्पाइरोगेरा की बात करेंगे, स्पाइरोगेरा की बात करेंगे तो यार ये ऐसा होता है ना, डोमिनेंट हैप्लोइड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट. करेक्ट है, बराबर है ना. तो ये हो गया. फर्न, फर्न फर्न भी डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड. ये देखो उनका स्प्रोथेलस होता है. अब एक बच गया फनेरिया. फनेरिया क्या होता है, डोमिनेंट हैप्लोइड. ये तुम्हारा ब्रायोफाइट वगैरह है राइट. तो मुझे लगता है वो जो एनसीईआरटी पेज नंबर 43 लास्ट में वो जो हैप्लोंटिक डिप्लोंटिक हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है ना, उससे आपको शांति से आ जाएगा. हमने क्लास में वो सब टेक्निक भी दी है, गड़बड़ वगैरह है ना. इट सेज दैट जिम्नोसोम एंजियोस्पर्म्स आर डिप्लोंटिक एंड ऑल दैट थिंग. बराबर, चलिए ये भी सॉल्व हो गया. तो इसका फिर आंसर क्या करें हम लोग, आंसर ए. लेट्स सी, ए वाला जो है, ए वाला ये हो गया 2, बी जो है ये हो गया 3, सी जो है ये हो गया 4, डी जो है हो गया 1. कौन सा ऑप्शन आप देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन राइट. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ अ जेनेटिस्ट यूजेस द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ब्लाइंड अप्रोच ओके, तो फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस टू डिफरेंट सेगमेंट, द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड एज. अरे ये तो इजी है, इज अ स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन. सीक्वेंस एनोटेशन बच्चों, ब्लाइंड अप्रोच में पूरा का पूरा जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन करते हैं, जिसमें पूरे के पूरे जीनोम को ही कर देंगे. अगर अपने को उसमें से फंक्शनल जो एक्सप्रेस कर सके वो देखना था, दैट वुड हैव बीन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. मतलब GST जो है वो तुम्हारा यू नो क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को ही दिखाएगा, जो फंक्शनल होते हैं उनको दिखाएगा. अगर आपको पूरा का पूरा करना है तो सीक्वेंस एनोटेशन. इन दिस केस बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट द ब्लाइंड अप्रोच, सीक्वेंस एनोटेशन इज अ करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चो. ये देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट. अच्छा, ये जो बंडल शीट सेल्स होते हैं वो अंदर की तरफ ऐसे थे, याद है कुछ क्रैंस एनाटॉमी हम लोग पढ़ते थे है ना. तो ये अंदर की तरफ क्यों होता है इन अ नॉर्मल केस, ऐसा कुछ पूछ रहा है राइट. ये अंदर की तरफ होगा, थोड़ा समझिए, टेम्परेचर जो है ये वाले प्लांट्स में ज्यादा होता था
तो बाहर जो मीजोफिल सेल होगा वो झेल लेगा टेम्परेचर को, जो थोड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन जहां पर होने वाला है। केल्विन साइकिल जो कि अंदर की तरफ होता है, पता है केल्विन साइकिल होने के लिए हमको वो रुबिस्को एंजाइम चाहिए जो कि थर्मोलेबाइल एंजाइम है, करेक्ट और नॉट? और इधर वाला जो था वो क्या था, थर्मो स्टेबल एंजाइम था, राइट? तो इसके हिसाब से हमको बेसिकली बंडल शीथ सेल्स जो है अंदर की तरफ रखने का कारण क्या है, हम हाई टेम्परेचर से उसको बचाना चाहते हैं। टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर दिस सिचुएशन इज देन, ठीक है, क्योंकि इनको ज्यादा टेम्परेचर पे, C4 प्लांट पता है उनको हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं एंड ऑल दैट, वो लोग फोटो रेस्पिरेशन वाला लॉस कम करता है, इनफेक्ट करता ही नहीं, अवॉइड करता उसको, राइट? टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी वॉज नॉट द रीजन, टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, नहीं, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे के साइट के लिए एडेप्टेशन ऐसा नहीं है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, दिस इज ऑल्सो नॉट द रीजन। इनफैक्ट बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट में तो नाम के लिए सिर्फ वो क्या बोलते हैं, यू नो, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सो आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, 144 आंसर इज द फर्स्ट वन, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। वेल दिस इज द इजी क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट फॉल्स फ्रूट, पता है फॉल्स फ्रूट वो होता है जहां पर ओवरी के अलावा बाकी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तुम कहते हो थैलेमस वगैरह आ जाता है एप्पल में, तो ये डायग्राम मेरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के आखिरी आखिरी में है वैसा दिख रहा है ना? सो आंसर इन दिस केस विदाउट एनी डाउट इज द ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी अपना सही आंसर है, थैलेमस आने के वजह से वो जो है इसको फॉल फ्रूट बना देता है, एप्पल के अंदर एडिबल पोर्शन इज दैट दोस थैलेमस वाला एरियाज, है ना, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम पेक्युलर फीचर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड, यस। अरे स्प्रिंग और ऑटम हमने बताया था, स्प्रिंग कम्स अर्ली इन दस यू नो ईयर, ऑटम बाद में आता है, वो विंटर के आसपास स्प्रिंग तो यू नो ईयर के स्टार्टिंग में हो जाता है। चलो इन स्प्रिंग सीजन द कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स, दिस आल्सो इज ट्रू स्टेटमेंट, स्प्रिंग इज लाइटर इन कलर, ये भी सही है। स्प्रिंग वुड अलोंग विद द ऑटम वुड शोज ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, तुम बताओ डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसी से हम लोग वो ईयर ऑफ द ट्री वगैरह एस्टिमेट करते थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। देन इट इज लोअर डेंसिटी, करेक्ट, वो बाहर वाला थोड़ा सा यू नो सैपवुड, अंदर वाला हार्डवुड बनता था, सैपवुड में मतलब मुलायम लकड़ी रहती है, हार्डवुड जो होता है बहुत ही ड्यूरेबल रेजिस्टेंट होता है, वो सब होता है। यहाँ पर ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट, विच इज द ऑल स्टेटमेंट करेक्ट वाला ऑप्शन, फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हाँ क्वेश्चन अच्छा है, हाँ रिजिड एनसीईआरटी रीडिंग लग के आपने की रहेगी तो आप इसको आराम से कर पाएंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। 147, एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट इन अ गिवन सोल्यूशन विल डू वॉट, अरे एडिशन ऑफ सोल्यूट, ये तो बच्चों वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट तो हम ऐसे पढ़ाते थे, है ना? सपोज करो एकदम प्योर वाटर लिया तो इसमें 100% फ्री वाटर है कि नहीं? जैसे ही मैं इसमें कुछ सोल्यूट्स डालूंगा, बराबर, जो सोल्यूट्स मैंने कुछ डाले, तो सपोज करो मैंने 10 यूनिट्स ऑफ सोल्यूट डाला, तो मैं बोलूंगा इस 100% फ्री वाटर में से एक तरह से 10% समझो वाटर इनमें मिक्स हो गया, तो क्या मैं बोलूँ सोल्यूट के एडिशन से फाइनली अपने पास जो फ्री वाटर बचा वो 90% ही बचा, क्या मैं बोलूं एडिशन ऑफ सॉल्यूट विल लोअर डाउन द वाटर पोटेंशियल, है ना? परसेंटेज में ध्यान रखे, एकदम जो प्योर वाटर होता है उसमें 100% फ्री वाटर होता है, जैसे जैसे तुम सॉल्यूट डालेंगे सो काफी सारे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स उस सॉल्यूट के साथ मिक्स हो जाएंगे, अल्टीमेटली पहले के मुकाबले जो अब नया वाटर पोटेंशियल है वो पहले से कम हो गया। फोर्थ इज द आंसर, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। While explaining the interspecific interaction of population, positive sign is assigned for beneficial, negative is assigned for the detrimental, and zero for neutral interaction. So the following interaction can be assigned for one species of positive and other of negative. Positive, negative, बच्चों predator,
प्रीडेटर को बेनिफिट, प्रे को नुकसान, बाकी एमेंसलिज्म दोनों को नुकसान, कंपटीशन में भी दोनों को नुकसान होता है, कॉमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट एक को फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो आंसर क्या टिक करेंगे हम लोग, थर्ड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ गए बच्चों, ट्रांसपोजोम्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, ऑटो रेडियोग्राफी, जीन सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन साइलेंसिंग। अरे बच्चों वो जो निमेटोड इन्फेक्शन वाला टॉपिक है ना, एमआरएनए साइलेंसिंग करते हैं, याद करो वो जो था ना टोबैको प्लांट वाला, राइट है ना, नोबेल स्ट्रेटजी, तो ये एनसीईआरटी का ही है, ये याद रखना है बच्चों। अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर बता दूं मैं, पेज नंबर 209 लिखिए, 209 पे वो जो अपना आरएनएआई इंटरफेरेंस वाला टेक्निक है, आरएनएआई इंटरफेरेंस वाला टेक्निक है, उसमें जीन साइलेंसिंग में हम लोग मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजोम्स का यूज करते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोम्स का यूज करते हैं। समझ गए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोग को ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी लगता है, इट्स नॉट दैट, इट्स प्रॉपर एनसीईआरटी, ओके, बुक का ही है, मैंने आपको पेज नंबर भी इसलिए बता दिया, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अरे बच्चों हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, है कि नहीं, थैलेसीमिया इज ऑल्सो, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर सही से पढ़िए, आंसर आ जाएगा, 150 आंसर जो है वो फोर्थ है, समझे, ठीक है। इधर हमारा ये बॉटनी के सारे जो क्वेश्चंस थे हमने सॉल्व कर लिए, अब मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में बच्चों, ठीक है, दूसरे वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम पेपर 2 जूलॉजी के डिस्कशन करेंगे। चलिए नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।